नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेलर जानकारी में। दोस्तों आज कहेंगे आपको पैंट में बैक पॉकेट कैसे लगाते हैं, पीछे की पॉकेट। तो इसके लिए मैंने कपड़ा ले लिया है दोस्तों, 20 इंच के कपड़े की लंबाई ले ली है और 7 इंच चौड़ाई ले ली है। आप 20 प्रकार ले लें, ये बड़े व्यक्ति की पैंट है और इसके साथ आवश्यकता पड़ेगी दो जातियों की, ये तो हमारी जो बोन है वो बनेगी, और दो पेस्टिंग के इस प्रकार के टुकड़े 1.5 इंच के। वैसे कई प्रकार से लगती पीछे की जेब, कई तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका मैं आपको सिंपल बताने वाला हूँ। और अगर आपके पास पैंट का अंदर का साथ जो साथ का कपड़ा वो नहीं है, तो आप अलग कपड़ा भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं, किसी प्रकार का भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना होगा, इस प्रकार का एक जहाँ पर जेब का मुँह रखते हैं वहाँ पर एक टुकड़ा अटैच करना होगा, ताकि जो जेब का जेब में हाथ डालते हैं तो वो कपड़ा अंदर वाला ना दिखे। इसलिए तो मैंने, मेरे पास फालतू कपड़ा था तो मैंने इसी का ले लिया है। अब एक्स्ट्रा इसके साथ कपड़ा अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ले लें। हमेशा बैक पॉकेट जो है दाईं तरफ लगती है दोस्तों, और ये दाईं तरफ का मैंने ले लिया है फेस। और यहाँ पर क्या करते हैं, 4.25 ले लिया मैंने तय जो है इसकी। इस प्रकार 4.25 पे यहाँ फुट लगा लें और 4.5 लंबाई ले लें, और यहाँ पर इस प्रकार 1/2 इंच का रिक्चा देते हुए यहाँ पर 1/2 इंच रखना है, और यहाँ पर ला करके इसको पूरा तिरछा ले आना है। इस प्रकार ले आए, और यहाँ पर नाखून की मदद से इसको सीधा कर दें और इसका निशान लगा लेते हैं जेब का। यहाँ पर आप 3 ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं, वो व्यक्ति की देख लें किस प्रकार की जेब है। अगर थोड़ा पतला व्यक्ति है तो उसकी थोड़ी लंबाई जेब की है जो नीचे ज़्यादा लें, और कोई मोटा है थोड़ी कम लें, वैसे बेल्ट भी लगेगी। तो यहाँ से मैं 2.5 ले रहा हूँ, 2.5 पे निशान लगा दिया है, और यहाँ पर भी 2.5 पे निशान लगा लिया है, और इस निशान को अब सीधा कर देंगे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लें, अब दोस्तों इसके नीचे कपड़ा अटैच करेंगे यहाँ पर, और ये कपड़ा यहाँ पर एक बीच में कुट लगा लें और इसको इस प्रकार रखेंगे। ये जो हमारा टांका है, प्लेट है, इसके बीच में इस प्रकार रखेंगे, और इससे 1.5 इंच नीचे कपड़ा लेंगे यहाँ पर, लगभग 2 उंगल, और यहाँ पर एक टांका लगा लें। यहाँ पर एक कच्चा टांका लगा लें पहले, ताकि आपको सुविधा हो थोड़ी ही, बाद में मोटी चाल का लगा लें, बाद में टांका जेब बनने के बाद इधड़ेगा। और अब इसको इस प्रकार करेंगे, और एक टांका यहां पर भी लगाएंगे। जितना जेब का मुंह रखना हमें, लगभग मैं 4.5 का मुंह रखता हूं, आप 4.5 भी रख सकते हैं, तो 4.5 में 2.25 इधर 2.25 इधर जो ये प्लेट है इससे। तो यहाँ पर 4.5 पे निशान मैं लगा देता हूँ इस प्रकार, और इस निशान पे यहाँ से लेकर के एक जेब को जमा लेंगे, एक टांका लगा लेंगे इस प्रकार से। दोस्तों अब ये जो हमारा जेब का कपड़ा है अटैच हो गया, देख सकते हैं आप, इसको सुलटा रखेंगे। और जो ये बैन बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसके भी यहाँ पर आप बीच में एक टुक लगा सकते हैं।
इस प्रकार रखेंगे, और जो ये है इसके बीच में हमारे टुक लगा लेंगे, जो ये पेस्टिंग का मैंने टुकड़ा लिया है बैन बनाने के लिए, इसको इस प्रकार रखेंगे, इसके बिल्कुल सटाकर रखेंगे ऊपर, और यहाँ पर हमारा जो एक निशान लगा लेते हैं, जो जेब का मुंह रखेंगे हम, साढ़े चार का मुंह रखना हमें, तो साढ़े चार पे निशान इस प्रकार दोनों तरफ लगा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर टांका लगाएंगे हम एक पैर का बिच्चा देते हुए, बिल्कुल इन दोनों को बराबर रखना है, आगे पीछे नहीं करना है, और जो टांका हमारा ये सीधा है, इस टांके के ऊपर ही इसको इस प्रकार लगाते जाना है। पक्का कर देंगे और ऊपर वाली बैन भी लगाएंगे, इसी प्रकार इस कपड़े को यहाँ पर रखेंगे। दोस्तों वीडियो कृपया ध्यान से देखें, बैंक जेब है ये, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों ये ऊपर वाली भी इसी प्रकार लगा लें, एक पैर का बिच्चा देते, और इसके बिल्कुल नज़दीक रख सकते हैं आप, और अगर चौड़ी बैन लेना चाहें तो थोड़ा बिच्चा देना होता हमें दोनों का, तो मैं बिल्कुल पतली लगा रहा हूँ। यहाँ पर भी इस प्रकार टंका लगा लें, दोनों को बराबर रखें। वैसे जो ये बोन है कई तरफ की निकलती है दोस्तों, और जेब भी है, बहुत से प्रकार की जेब लगती है। इससे अलग डिजाइन की जेब भी कभी मैं लगाऊंगा तो उसकी वीडियो भी बना दूंगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सेट हो गई हमारी, और इसको इस प्रकार मोड़ लेंगे। यहाँ पर हम एक पैर का बिच्छा देख सकते हैं, यहाँ पर छोड़ना होगा हमें बैन के लिए, इसको इस प्रकार मोड़ लेंगे, और इसको भी इस टांके के ऊपर मोड़ लेंगे। देख सकते हैं ये जो टांका हमारा, इसके ऊपर इस मुंह को रखेंगे इस प्रकार से, दोनों तरफ की साइड को, अच्छे से नाखून से इनको मोड़ लें, और इस प्रकार हमारी जो है बैन है वो जो निकल आएगी। अब दोस्तों यहां पर हमें कुट लगाना होगा, बीच में इसका मुंह काटना होगा, तो इस प्रकार रखें इसको ध्यान से, अगर नीचे का कपड़ा गलत ना कट जाए, बीच से मोड़ लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर कैंची की मदद से इस प्रकार इसका मुंह काटेंगे। ये देखना ध्यान से जरूरी है दोस्तों कि मुंह किस प्रकार काटेगा इसका, आधा इंच दूर रखें जो टांका है, या आधा इंच दूर रखें, और अब यहाँ पर एक तिरछा कट मारेंगे इस प्रकार का, ताकि सफाई अच्छे से आ जाए। इसको इस प्रकार देख ले पहले, कहाँ तक हमारा टांका है वहीं तक इसको काटना हमें इस प्रकार से। जो हमारा टांका है उसके बिल्कुल नज़दीक काटना है। दोस्तों ये ध्यान रखें, एक तो ये पैंट का कपड़ा है, और एक जो जेब का कपड़ा, वही दोनों कटने चाहिए, जो बुकरम वाला है और जो ऊपर ये कपड़ा है ये नहीं कटने चाहिए, ये साइड में हो जाने चाहिए हमारे। इसको इस प्रकार पलटेंगे, और यहाँ पर जहां तक हमें टांका लगाया है वहां तक काट लेंगे, और इसी प्रकार इधर की साइड से भी। पहले आधा इंच दूर तक टांका काट लें, आधा इंच यहां पर रखें, और इसको इस प्रकार मोड़ लें, और इसको भी अब देख लें, यहाँ पर जो हमारा यहाँ तक टांका आया हुआ है, तो इसको यहाँ नीचे वाले कपड़े को काटेंगे, ऊपर वाली दो सपोर्ट हमारी इनको नहीं काटना है, और इधर की साइड से भी इसका मुंह बना लेंगे।
वैसे काफी मेहनत भरा काम है दोस्तों इस जेब का। यहां तक काट लें, देख लें। अब यहां पर टांका लगाएंगे दोस्तों। आप चाहें तो प्रेस की मदद भी ले सकते हैं, प्रेस से भी जमा सकते हैं ताकि आपकी जो है बैन अच्छे से सफाई आ जाए। बिल्कुल जो टांका है इसके नजदीक टांका लगाएंगे, और बगैर टांके भी बैन जो बनती है आप वो भी बना सकते हैं। कई प्रकार की जो है ये जेब पीछे की बनती है, बहुत सी इसके डिजाइन होते हैं। अब दोनों तरफ इस प्रकार टांका लगा लें दोस्तों। क्या चाहता हूं, ये टांका लगकर दोस्तों तैयार हो गया। अभी इसको सुलटी करेंगे अंदर की तरफ, इस प्रकार इसको सुलटी कर लें। यहां पर आप प्रेस की मदद भी ले सकते हैं, और इसके ऊपर टांका लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वरना प्रेस की मदद से इसको जमा दें। तो मैं यहां पर टांका लगाने वाला हूं ताकि इसकी तकड़ाई जो अच्छे से हो जाए। और सबसे पहले यहां पर एक टांका लगा लें, ये जो है इसको यहां से अच्छे से टांके के साथ दबा दें। दोनों तरफ इसको दबा लें, इधर की साइड से भी। अब दोस्तों इसके यहां पर टांका शुरू करेंगे, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं आप। अब दोनों बैन बराबर रहनी चाहिए दोस्तों, और इस प्रकार इसको यहां से टांका शुरू करेंगे। इसके बटन लगाऊंगा मैं दोस्तों यहां पर, और यहां पर एक छोटी सी फट्टी भी ऐड करूंगा। अब चारों तरफ टांका दोस्तों इस प्रकार लगा लें। और यहां पर अच्छे से पक्का कर दें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा बचा हुआ है यहां से टांके के बिल्कुल नजदीक से इसको काट देंगे, जो फट्टी का कपड़ा है जेब जेब का रखेंगे, इसको एक्स्ट्रा है निकाल देंगे। इस प्रकार से
देख सकते हैं यहाँ पर टांका लगेगा दोस्तों हमारा। इस पट्टी को यहाँ पर दाब दें, और अब ये जो फालतू का टांका लगाया था इसको देड़ लें, और जो ये ऊपर वाला है ये इसका साथ में ही हमारा अटैच हो जाएगा। और देख सकते हैं आप ये जो बैन है वो हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर बटने के लिए भी थोड़ी अटैच कर देते हैं। चलिए अब दोस्तों इसको सील लेते हैं और इस प्रकार उल्टा करेंगे इसको, और इसको पलट लेंगे, और जो ये हमारा जेब का मुँह है यहाँ से मिलेंगे इसको, तो 6.5 रखेंगे। साढ़े छः हमने रख लिया है, यहाँ पर 2 कुट लगा लें और इस प्रकार से इसको रखेंगे, और यहाँ से टांका इसको मोड़ लेंगे। पहले ये ऊपर जो हमारा है एक्स्ट्रा कपड़ा इसको इस प्रकार मोड़ेंगे, और यहाँ जो कुट है इसी पर से लेना हमें इस प्रकार, और इसको इस प्रकार सिलते जाएंगे। और अब ये जो हमारा जेब का यहाँ का हिस्सा आ गया इसको भी इतना ही मोड़ेंगे, इस प्रकार मोड़ लेंगे। और इस प्रकार टांका लगा लें इन दोनों को मोड़ते हुए अंदर, आधा आधा इंच अंदर मोड़ लें। दोस्तों जो भी जेब का तरीका पसंद हो आपको वही लगा सकते हैं, डक वाली जेब भी लगती है। वैसे काफ़ी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे जिस भी टेलर का वो वीडियो आप देख सकते हैं। सभी का बताने का अलग अलग तरीका होता है, और अलग अलग तरीके से सभी जेब लगाते हैं। जो ग्राहक जेब चाहता है वही आप लगा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए YouTube की मदद ले सकते हैं, YouTube पर सब कुछ संभव है, जो चाहे आप वो वीडियो YouTube पे देख सकते हैं। और इस प्रकार टांका लग जाने के बाद दोस्तों ये एक्स्ट्रा हमारा 4 आंगल कपड़ा बच गया है, फालतू ले लिया था मैंने, इसको यहाँ इसके नज़दीक से काट लेंगे, और इसको इस प्रकार मोड़ेंगे यहाँ से, यहाँ इस प्रकार मोड़ लेंगे। इधर की साइड से भी बराबर मोड़ लेंगे दोनों तरफ। देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार मैंने मोड़ लिया है, और ये हिस्सा हमारा अब यहाँ पर दब जाएगा। यहाँ पर अब टांका लगा लेंगे हम, यहाँ से बेल्ट में हमारी जो जेब है दब जाएगी, और ये यहाँ इसके साथ अटैच हो गई है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं जेब लगकर हमारी तैयार हो गई है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में हम ये लगाएंगे बटन के लिए। ये लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, वैसे ग्राहक से पूछ लें वो बटन लगवाना चाहता है कि नहीं। अगर वो बटन लगवाना चाहता है तो आप यहाँ पर इसको लगा लें, छोटी पतली कातर से इसको तैयार कर लें मोड़कर।
दोस्तों अभी ये जेब लगकर हमारी तैयार हो गई, देख सकते हैं आप। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।